सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 5 दिसंबर 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 5 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। चुनाव आयोग से बड़ी खबर, राजस्थान में आचार संहिता हटी, अब नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, नई रेट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अन्य भर्तियां। चुनाव प्रक्रिया पूरी, आचार संहिता हटी, जल्द राजस्थान में बनेगी नई सरकार, शपथ लेगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बनने की पूरे चांस। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। चौधरी होंगे कार्यकारी अध्यक्ष, उपे ने दिया बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, राजस्थान पत्रिका न्यूज सापरा। शिक्षा विभाग के कर्मचारी संघ ने लिखा सरकार को पत्र, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड डीपीसी को लेकर, स्कूलों में कैसे होगी पढ़ाई, जिले में 121 प्राचार्य 333 फर्स्ट ग्रेड और 678 सेकंड ग्रेड के पद खाली, धौलपुर भास्कर न्यूज। भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करे विभाग, प्रदेश अध्यक्ष से, धौलपुर जिले में विभिन्न श्रेणी के पदों की स्थिति, फर्स्ट ग्रेड के 333 पद खाली, सेकंड ग्रेड के 678, थर्ड ग्रेड लेवल 2 के 269, लेवल 1 के 100 पद खाली। राजस्थान पत्रिका न्यूज स्पेशल, 2023 में अब तक आरपीएससी को 4000 पदों पर भर्तियां मिली, अब नई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां आरपीएससी को मिलेगी। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीकर अग्रवाल ने कहा 6 दिसंबर को जारी हो सकता है वन रक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, नई सरकार के कार्यकाल जल्द शुरू होगा, भर्तियां होगी बम्पर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चुनाव समाप्त होने के बाद अब नई सरकार में 41,000 पदों पर भर्तियां शुरू होगी, इन भर्तियों की होगी प्रक्रिया शुरू। मदरसा बोर्ड, पशु परिचर, सफाई कर्मी, सहकारिता विभाग, कांस्टेबल भर्ती। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 8.4 लाख पद खाली पूरे भारत में, देश में शिक्षकों के अभी तक भी 8.4 लाख पद खाली रहे, ये पद प्रारंभिक माध्यमिक सेटअप में खाली है। शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी एक सवाल के जवाब में सदन में दी है। 7.2 लाख पद प्रारंभिक, 1.2 लाख पोस्ट माध्यमिक सेटअप में वैकेंट है। राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों की काफ़ी बेहतर है, राजस्थान शिक्षकों के खाली पदों के टॉप 5 राज्यों में शामिल नहीं है। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक बिहार में 1.92 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। सीटेट ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए अवसर, जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। सरकारी स्कूलों में ड्राइंग म्यूजिक पढ़ाने को शिक्षक की नहीं, 30 साल से भर्ती ही नहीं हुई, अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान भी जारी रहेगी 8वीं की पढ़ाई। कलेट परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की में फिर गड़बड़ी, असमंजस में रहे स्टूडेंट्स, जोधपुर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान भी जारी रहेगी 8वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई, समान परीक्षा। जहां पद खाली वहां नियमित कक्षा चलाने में होगी समस्या, एमजीएस विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरने पर अब लगेगा विलंब शुल्क। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, एमडीएस विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन के लिए करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को अभी और करना होगा इंतजार। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम, सैनिक स्कूलों की 9वीं कक्षा में पहली बार पढ़ेगी बेटियां।
3 से 11 फरवरी तक परीक्षा, 16 मार्च को रिजल्ट जारी, गेट 2024। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के अपने घर से स्कूल की दूरी का सत्यापन ही नहीं हुआ, अब देरी से मिलेंगे ट्रांसपोर्ट वाउचर। 10वीं 12वीं का परिणाम सुधारने के लिए निदेशालय ने डाइट की व्याख्याताओं को दी जिम्मेदारी, अतिरिक्त कक्षाएं लगवाएंगे श्रीगंगानगर। रेलवे में करीब 1.5 लाख पद खाली, सबसे अधिक सुरक्षा के कोटा रेल मंडल में 2122 पद खाली, कर्मियों पर अधिक बोझ। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 तक। भास्कर न्यूज ब्रीफ, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, पशु चिकित्सा राउंड 3 के इंटरव्यू 7 से आरपीएससी। पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहा, आरपीएससी अध्यक्ष मेंबर बदलेंगे क्या? आयोग संवैधानिक संस्था है, इसलिए नई सरकार में भी यहां कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। सबसे बड़ा सवाल, पेपर लीक के असली दोषी कैसे सामने आएंगे? विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का एक बड़ा मुद्दा आरपीएससी की भर्तियों में पेपर लीक का भी था। सेकेंड ग्रेड 9760 पदों पर चल रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्या रीट पेपर लीक के गुनाहगार बेनकाब होंगे? केंद्र में भाजपा की सरकार, सीबीआई, ईडी आदि किसी भी एजेंसी से जांच करवा सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए थे प्रभावित, रीट शिक्षक भर्ती 2021 पेपर आउट मामला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 दिसंबर से होगी, विभाग ने जारी किया टाइम टेबल। 15वीं राजस्थान विधानसभा भंग, अब नई सरकार बनेगी। परीक्षा से एक दिन पूर्व स्कूलों में महोत्सव, राजस्थान पत्रिका न्यूज। वसुंधरा राजे सहित 8 चेहरों की में किसी के सिर बन सकता है मुख्यमंत्री का सेहरा, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने के पूरे चांस है। शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्वे 6 व 7 को। बच्चों का शैक्षिक स्तर जांचने के लिए सर्वे 7 से प्रतापपुर। 6 से 8 तक की परीक्षा दूसरे पखवाड़े में, नवज्योति न्यूज। पीएमश्री योजना, स्कूलों को पर्यावरण संरक्षण केंद्र के तौर पर विकसित करने के लिए दिए जाएंगे 27,500 रुपए। जेडब्ल्यूमैन 2024 14.10 लाख ने आवेदन किया। सैनिक स्कूलों की 9वीं कक्षा में पहली बार पढ़ेगी बेटियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, भाजपा ने चुनाव में प्रमुखता से उठाया था मुद्दा, नई सरकार कराएगी आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण की जांच। राजस्थान पत्रिका आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती मामला। राजस्थान पत्रिका न्यूज, युवा भर्तियां हो पारदर्शी, भाजपा का संकल्प। बीजेपी से बेरोजगारों को नई भर्तियों की उम्मीद, नौकरियां। प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियों दी जाएगी। युवा भर्तियों के लिए बेहतर तरीके से तैयारी में जुटेंगे विभागों, बोर्ड निगमों में परेशानी कम होगी। शिक्षा विभाग में युवाओं को उम्मीद, नई रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती की। एलएलएम 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के आवेदन 11 तक। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन शुरू।